मानना है भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो भी नियम कायदे कानून बनते हैं उसमें विधायिका का रोल होता है, यानी हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनकी उदासीन सोच रही है या फिर जो भी कारण कहें, क्योंकि आज ये सर्वविधि है कि जितने भी कंपनी फैक्ट्री स्थापित होते हैं उनमें स्थानीय विधायक रहे, स्थानीय जो दल हैं उनके जो नेता रहे उनको काफ़ी मोटी रकम अदा की जाती है, तो ये कमजोरी उनकी हो सकती है। लेकिन अब हम लोग चाहे विधायक रहे या सांसद रहे, अब हम लोग किसी के आश्रित होकर रहने वाले नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई बार बार की है, हमारे पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोग का मानना है कि चाहे विस्थापित की लड़ाई हो या फिर अन्य मुद्दों की लड़ाई हो या बार बार की लड़ाई होगी, चाहे जो भी परिणाम होगा, क्योंकि ऐसा परिस्थिति अगर चलता रहे तो आने वाले 20 सालों में मुझे लगता है झारखंड का अस्तित्व, झारखंड का वजूद समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं, मैं इसी आंदोलन की व्याख्या करती हूँ, ये कहीं ना कहीं दर्द का आंदोलन था। यदि दर्द का आंदोलन नहीं होता तो 50 लड़के थे, आज 5 करोड़ तक इसकी आवाज़ पहुंच चुकी है। इसका मतलब सीधा है, ये समय का आंदोलन था, नियति का आंदोलन था, ये हम लोगों का आंदोलन नहीं था। नियति समय चाहती थी कि दर्द लोगों के लिए कोई आवाज़ बने, एक आंदोलन हो और जितने शोषित वंचित लोग हैं वो एक जगह आएँ और इस बार आखिरी अपनी जो अंतिम निर्णायक लड़ाई उसे लड़ सके। बिहार तत्कालीन बिहार जब था तब डिप्टी महेश्वरी जो मुख्य सचिव थी, विस्थापितों के लिए फोर्थ ग्रेड का जो है आरक्षण की बात उन्होंने किया था, विस्थापितों का वो अधिकार छीन गया, क्या मानते हैं? अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। हाँ बिल्कुल, आपका ये कथन सही है कि अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। कुछ हमारे लोग भी दोषी हैं, दोषी चूंकि उन्होंने देखा निजी स्वार्थ। आज ऐसा नहीं कि BSL में आज जो हम लोग अप्रेंटिस के माध्यम से यहाँ इतने लोग आए हैं, वैसा नहीं है। यहाँ हमें आने से पूर्व कई लोगों ने टेलीफोन किया कि आप इस मुद्दे पे मत आइए, अपने ही लोगों ने। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे अपने लोग हैं जिनको काफ़ी मतलब धनराशि उनको दान दी जाती है या फिर उनको चंदा के रूप में दिया जाता है, उनको चुनाव लड़ने के लिए चंदा के रूप में जाता है, तो अपने लोग हैं। तो अब 23 सालों के झारखंड ने बहुत दुर्दशा को देखा है, अब अपने रहें या फिर कोई और रहे, अब हम लोग अपना शोषण नहीं सहेंगे, हमारी आवाज़ रहे, हमारे जो भी लड़ाकू हैं वो अब सामने आकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और फिलहाल हम लोग भी विधिवत लड़ेंगे, एक चरणबद्ध होकर लड़ेंगे, एक सीरीज में लड़ाई लड़ेंगे। दादा, तो आपका कुछ सवाल था, विस्थापितों का दुर्दशा का कारण क्या था और 50 सालों किस कारण से विस्थापित चले गए? देखिए, विस्थापितों की सबसे जो पहला कारण है आपसी एकजुटता का ना होना, क्योंकि आज अगर बात करें ऐसा नहीं, बंगाल में भी जमीन अधिग्रहण हुआ है, उड़ीसा में भी हुआ है, बाकी प्रदेशों में होता है, आए दिन अडानी कंपनी चूंकि अभी हाईलाइटेड है बहुत राज्यों में जमीन अधिग्रहण करती है, लेकिन वहाँ के लोग काफ़ी एकजुटता के साथ विरोध प्रदर्शन करते हैं, उस योजना को वापस करते हैं। और हमारे जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है माननीय ममता बनर्जी जी, वो भी टाटा नैनो ने जो जमीन अधिग्रहण किया था उसके खिलाफ आंदोलन करके आई थी। यानी सबसे प्रमुख कारण हमारे लोगों की एकजुटता का ना होना। मान के चलिए 84 गाँव, अगर हम एवरेज निकालते हैं एक गांव में 1,000 आदमी तो 84,000 आदमी, अगर 84,000 आदमी अगर यहां खड़े हो जाएंगे उसका आधा भी खड़ा हो जाएगा 42,000, उसका आधा अगर 21,000 लोग यहां खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है यहां पुलिस तो छोड़िए, यहां तमाम फोर्सों की संख्या कम पड़ जाएगी और 1 घंटा नहीं 10 मिनट में वार्ता के लोग हो जाएंगे। नहीं, एकजुटता की कमी रही है, तो इसीलिए आज हम लोग सदियों से दशकों से ठगे जा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है लोगों की जो एकजुटता है अब जागेगी, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो हमारी ये जनरेशन है इसने बहुत करीब से देखा, बेरोजगारी को देखा, विस्थापन को देखा, पलायन को देखा, भुखमरी को देखा, हर तरह से मतलब शोषण को देखा। तो मेरा मानना है कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है एकजुटता का ना होना, उसके बाद हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो लोग हैं केवल वोटर्स बन के, ऐसा नहीं है कि बोकारो में हमारे आज तक जनप्रतिनिधि नहीं रहे, विशेषकर जो खाटी की बात करें, जो माटी की बात करें, हमारे आज तक सांसद नहीं रहे जो मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाके BSL के सिंदरी FCI के दर्द को रख सके। हमेशा 1952 से लोग जो अन्य राज्यों के वे लोग चुन के गए, तो उन्हें क्या वास्ता होगा, हमारी ज़मीनें से क्या हमें लाभ मिलता था, हमारी ज़मीनों को छीन जाने का दर्द किसे है? तो इसीलिए हम लोग केवल होट बन के रहें, भीड़ बन के रहें, उसे एक नेतृत्व में तब्दील नहीं कर पाए। जबकि मेरा मानना है अगर बोकारो विधानसभा की बात कही जाए जहां 3 लाख के आसपास अगर वोटर्स है, जिसे मुझे लगता है 2 लाख प्लस हमारे रैयत वोटर्स है, जिसमें 1 लाख तो केवल विस्थापित वोटर है, केवल विस्थापित वोटर भी अगर एक जगह स्थापित हो जाए तो आंदोलन करने की नौबत नहीं आती, उनके बीच एक विधायक बन जाता और जीवन भर उनके लिए लड़ता। अगर एक दिन वो लड़ने के लिए आता तो अब तक इंसाफ मिल चुका था। तो हमें लगता है लोकसभा की बात करें जहाँ 18 से 20 लाख हमारी मतदान है, जिसमें हमको लगता है 12 से लगभग 15 लाख स्थानीय लोग वोटर के रूप में है, लेकिन आज तक अपना सांसद
नहीं चुन पाते हैं, जबकि इसी क्षेत्र में कोयला है, आपका बागमारा में तमाम फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं, सिंदरी में इतना बड़ा है, निरसा में तमाम आपके मैथन है, पंचायत है, बोकारो में आपका वेदांता है, कहीं डालमिया है, यहीं आपका BSL है, लेकिन हम अपना मेम्बर ऑफ हाउस पार्लियामेंट के लिए आज तक नहीं चुन पाए। देखिए आज हम जितना आपके सामने बात को रख रहे हैं, बेहतर बात रख रहे हैं, सुनने वाले भी बेहतर हैं और आप लोग भी बेहतर लोग हैं, लेकिन हमें एक हाउस चाहिए जहां हम रख सके, जहां बात की गरिमा हो, तो वहां हमारे लोग चुन के नहीं जा रहे हैं। इसीलिए अब हमारा 24 का ये भी लक्ष्य होगा, लोगों ने आरोप लगाया कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब नेता बनने की क्या जरूरत है, MP MLA बनने की क्या जरूरत है, तो हम लोग बोले कि सड़क में आप कितना भी आंदोलन करें, सड़क में कितना भी रखें, जब तक हाउस में आपकी बात तो कोई नहीं रखे उसकी गरिमा नहीं बढ़ती। इसलिए अब हम लोग हाउस में जाएंगे और जब जब वहाँ डिबेट होगा, जब जब हमें मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का, हम लोग कभी बोकारो BSL का बात रखेंगे, कभी FCI सिंदरी का, तो कभी पेंचर डैम का बात रखेंगे, तो कभी डालमिया का, तो कभी आपका DBC का बात रखेंगे। महतो का नेता आप या सुदेश महतो? दादा एक बार फिर से को महतो का नेता आप या सुदेश महतो? देखिए दादा, हम महतो का नेता नहीं है, हम विस्थापितों का नेता है, नेता भी नहीं है, हम उनका भाई है, उनके बीच का एक बेटा है। I am not a leader, हम अभी तक कोई लीडर नहीं है, ना कोई स्थापित हुए हैं, हम आज भी उनका बेटा है, उनकी दर्द को समझने वाला और उनकी बातों को बेबाकी से कोई रहे सामने रखने वाला। उसके अलावा जो भी लीडर है भैया, वो लीडर है, उनको लीडरबाद मुबारक हो, हम एक बेटा हैं और बेटा बन के ही आजीवन रहेंगे और उनके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। लोकसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, इनको चुने हैं और विनीत नारायण जो है दोनों को तरफ चेतावनी दिए है, आप उनके बारे में ठीक है आपका भी उत्तर, पहले दादा का उत्तर। देखिए हम लोग सबसे पहले टारगेट करेंगे कि जहां माने बेकार सांसद पड़े हैं, जो लोग हमारी माटी से वास्ता नहीं रखते हैं, और विशेषकर हम लोग कम से कम तो 14 में से आधा दर्जन प्लस सीटों में हम लोग लड़ेंगे, हालांकि बहुत चैलेंजिंग है ये कहना हम स्वीकारते हैं, कहना और करना, एक नई पार्टी बन के एक नए नेता बन स्थापित करना बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे लगता है हमारे पास मुद्दे अच्छे हैं, हमारे पास हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी निडरता, हमारी जानकारी, तो इस हिसाब से हम लोग बेहतर होंगे। आपके सवाल का उत्तर है बिरन जी। अच्छा एक चीज और, इसी उनका कमीशन है, कड़ी में एक चीज इसी कड़ी में है कि अभी जितने भी नेता है या पार्टी है, कह रहा है कि ये जयराम महतो कौन होते हैं, तो आयराम गायराम बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, ये भी आए हैं चले जाएंगे, लेकिन सीट नहीं जीत पाए। ठीक है, जो हम लोग अभी जीत नहीं पाए हैं सो इतना तकलीफ है, आपकी जुबान पे हमारे नाम का चर्चा है, अरे आप कौन होते हैं, हम क्यों पूछेंगे झारखंड के नेताओं को, हमारे चर्चे नीतीश कुमार के पास है, फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारे चर्चे नीतीश कुमार के पास है, लॉजिकली समझा देते हैं। माननीय खिरू महतो, हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वे राजनीतिक विश्राम की ओर थे, अचानक वो चले जाते हैं राज्यसभा, क्यों, देखा कि झारखंड में एक मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट में जो संख्या है किनकी, ऐसी बात है संख्या है लेकिन सबका आंदोलन है, सीधा उन्होंने उठाया और राज्यसभा लेके गए क्योंकि बैलेंस कर सके। और एक बात आई, 60-40 बिहार में भी हो गया, माननीय नीतीश कुमार आते हैं, CM के साथ बैठते हैं, तेजस्वी जी को साथ लाते हैं और सीधा जाके बिहार में भी ओपन होता है, तो इनकी बात क्यों करेंगे, तो हमारे चर्चे नीतीश कुमार के पास है, उनको नसीहत देंगे कि देखिए पहला बात, हम लोग अभी भी चाहते हैं, अरे पॉलिटिक्स में तो आप लोग स्थापित हैं, कोई 72 से है, कोई 85 से, कोई 80 से, कोई 1885 से, आपने ना मौका दिया, जयराम महतो और तमाम जो युवा हैं जो राजनीति का रण नहीं जानते हैं, नौसिखिए हैं, अभी भी नाक साफ करते दिखते हैं, इनको आपने ना मौका दिया, आप अगर इस राज्य के हितार्थ के लिए, लोगों के दुख दर्द को हल करने के लिए अगर नियम बनाने की बात करते तो हम यहाँ तक आते ही नहीं, लेकिन आपने क्या किया, किसी ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ, किसी ने अग्रवाल के साथ, किसी ने वेदांता के साथ, किसी ने टाटा के साथ, किसी ने BSL के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया, आपको बिजनेस करने के लिए भेजे थे, ये नियम बनाने के लिए भेजे थे। आज झारखंड के सभी लोगों को समझना चाहिए कि हमने व्यापारी नहीं, हमने MLA चुना था, ये तो व्यापारी बन गए और आज हमें दोष देते हैं, आप सबके सब व्यापारी हैं, आपका सारा चिट खोलेंगे 24 में, सारा चिट खोलेंगे, 1 by 1 चिट खोलेंगे कि आपका कहाँ जमीन है, कै गो अकाउंट है, उस जमीन की अब दर क्या है, सारा चिट खोलेंगे 24 में कि हमने MLA चुना था, MP चुना था, या बिजनेस चुना था, कंपनी के दलालों को चुना था, तो दर्द है। दादा प्रिंसी नारायण BSL प्रबंधक के चेतावनी दे रहे हैं यार, हमरा कटियाने के दर चेतावनी दे, विधायक के चेतावनी दिए लगाए, मोड़िया धर के मचर दिए लगाए, विधायक चेतावनी देता है, आप हाउस में जाने वाले लोग हैं, आप संवैधानिक शक्ति का अनुपालन करने वाले लोग हैं, मुड़िया मुचरक का मल है, चेतावनी। संथाल, संथाल,
संथाल बिना साधे जयराम कैसे जिद दर्ज करेगा, क्योंकि 18 सीट लेकर बुलावा नहीं है। निश्चय ही संथाल से भी बुलावा, अरे आप तो बोलना ही भूल गए, जो बार बार ये बोल रहे थे कुर्मी आंदोलन कि आदिवासी दूर हैं। सिमडेगा में हमारी एंट्री हो रही थी, आपको जानकारी होना चाहिए, 9 तारीख को मेरा कार्यक्रम था सिमडेगा में। सिमडेगा मतलब आदिवासी बाहुल। डर देखिए, हमारा कार्यक्रम कैंसिल है, और आप कहते हैं कि हम एक समाजे बंद के रह गए। सिमडेगा हमारा पोस्टर रिलीज हुआ होगा, 9 तारीख को हम सिमडेगा जाने वाले थे एज ए चीफ गेस्ट हॉकी के मैदान में। जानकारी के लिए बता दें सिमडेगा में हमारा कार्यक्रम कैंसिल हो चुका है। तो किसने कहा कि बाकी लोग हमें सुन नहीं रहे हैं, बाकी लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? ये लोग डरे हुए हैं, हमारा कार्यक्रम वहाँ कैंसिल हुआ है, मेरा कार्यक्रम खूंटी में कैंसिल हुआ है, मेरा कार्यक्रम गुमला में कैंसिल हुआ है। किसने कहा कि लोग नहीं जा रहे हैं? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।